खबरों में बने रहने के लिए अपना डॉट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। हमको तो लगता है जो मोदी जी अगली बार निकल जाएंगे, हम लोग भी उन्हीं से संपर्क है। अच्छा काम करते हैं, गरीब लोगों को साथ दिए हैं, इसीलिए मोदी का कोई एक काम बताइए जो आपको खूब अच्छा लगा। मोदी जी का यही अच्छा लगा हमको, जो जो ये जो छोटा कास्ट का जो डिलीवर किए हैं वो बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छा किए। 19 के चुनाव में इस बार जीतेगा कौन बेगूसराय से? जरूर जीतेगा। कौन जीतेगा? मोदी। मोदी जी क्यों देंगे मोदी को वोट? 72,000 रुपया तो देने की बात कर रहे राहुल गांधी, 72,000 रुपया जो देने की बात कर रहे राहुल गांधी, वो पैसा नहीं चाहिए? जरूर चाहिए। तो फिर वोट कैसे नहीं दीजिएगा? जरूर देंगे वोट उनको, इनको वोट दीजिए। मोदी नरेंद्र मोदी को वोट दीजिए। नरेंद्र मोदी को क्यों वोट दीजिए? गरीब को और अच्छा कर कहे कि करने के करेंगे। अच्छा पेंशन देंगे और सरकार और किसान को भी देंगे, खुला की कुछ करेंगे और ब्राह्मण लोगों को सब सेवा करेंगे। कन्हैया कुमार को वोट क्यों नहीं देंगे? कन्हैया कुमार को वोट नहीं देंगे, जो हम स्पष्ट कहेंगे, जो हम कन्हैया कुमार को स्पष्ट कर मुखियो जी को हम कह दीजिए, मुखिया प्रतिनिधि है, पंचों का हम स्पष्ट करते हुए आए कि हम आपको वोट देंगे। विश्वास कहा था हम कभी नहीं, जिसको वोट देंगे उसी को हम वोट देंगे। अच्छा तो आपको लगता है कि गिरिराज सिंह यहाँ से जीत जाएंगे? जरूर जीते, जरूर जीते, जरूर जीते, जरूर जीते, एकदम ये पक्का, एकदम फाइनल कर रहे हैं, जरूर जीते। उनका निशान पता है आपको? वोट जो दीजिएगा कौन सा निशान है? फूलछा। फूलछा। हाँ। आपको बेगूसराय में चुनाव गिरिराज सिंह, तनवीर अहसान, कन्हैया कुमार खड़े, आप युवा हैं, आपका आकर्षण किधर? हम लोग तो गिरिराज सिंह के साथ मोदी सरकार जो काम किए हम लोग उससे सहमत हैं और उस पर जो है फिर से विचार किया जा रहा है। हम लोग मोदी सरकार के तरफ हैं, गिरिराज सिंह हमारे आए हैं सांसद और उनके साथ मिले हैं। आपका क्या नाम है? श्याम सुंदर कुमार। आप भूमिहार? भूमिहार। तो आप कन्हैया कुमार को वोट नहीं दे? जी नहीं, हम लोग जो है विकास को तरफ, हम लोग जो है जाति पाति की तरफ नहीं, हम लोग विकास को मांगते हैं, विकास जो कर रहे हैं वो ठीक है। 72,000 रुपये छूट जाएंगे सर? 72,000 रुपया जो है इस देश में देना संभव है? अभी तक जो है जो कांग्रेस सरकार 70 साल की जो है सरकार रहे उस टाइम जो है खाता नहीं था और जो है रुपया की बात तो दूर है। अगर सरकार फिर से बन जाए, मतलब जो सरकार खाता नहीं खुलवा सकती उससे पैसे की उम्मीद नहीं, पैसे की उम्मीद नहीं की जा सकती। हाँ, मोदी सरकार अगर खाता खुलवाए तो वो जो है सिस्टम से छोटा रकम रखे जो कि वो दे सकते उतने उनका दे, लेकिन ये केंद्र सरकार जो है इतना दिन 70 साल रहे, सोनिया जी राहुल जी अब बक रहे हैं, गरीबी हटाने का नारा चल रहा है, ये गरीबी नहीं, वो गरीबी नहीं हटा रहे, गरीबी बढ़ा रहे हैं। अभी तक तो वही गरीब गरीबी जो है बढ़ा के रखे, अब क्या वो करें? अमेठी छोड़ के वायनाड चले, वो चलेंगे करेंगे, उनका जो है अब वहां पर कोई सिस्टम नहीं बचा। राहुल गांधी आपको क्यों पसंद नहीं है? इसलिए पसंद नहीं है, जो भी कुछ बोलते हैं वो देश के हित में नहीं बात रखते, समाज के हित में नहीं रखते, तो वो ऐसे नेता क्या जरूरी है? इस बार प्रधानमंत्री किसे चाह रहे हैं? बस बस मोदी जी को और किसी को। आपको क्या लगता है? आप तो किसान दिख रहे हैं, किसान मोदी बने, मोदी को देंगे? किसान के लिए तो उन्होंने कुछ खास नहीं किया, फिर भी करेगा उम्मीद है। मोदी का कौन सा काम आपको अच्छा लगा? पाकिस्तान पर जो हमला किया वो। कन्हैया कुमार आपके स्थानीय उम्मीदवार हैं, आप लोग वोट नहीं देंगे? हम लोग मोदी को देखते हैं, मोदी को देंगे। आपको क्या लग रहा है, क्या नाम है आपका? विनय कुमार है। अच्छा, विनय कुमार सिंह है, उमर है, मतलब भूमियार है, तो वोट किसको दीजिएगा? हम तो देंगे नरेंद्र मोदी को। भूमियार का वोट तो बट रहा है? नहीं। तो कन्हैया कुमार क्यों पसंद नहीं आ रहे? देखिए, अभी मोदी जी जो है विकास की ओर देश को ले जा रहे हैं, हर पंचायत हर गांव में विकास की ओर सब लोग अग्रसर हैं, मोदी के नेतृत्व में देश मेरा आगे जा रहा है, इसलिए करके हम और बात को नहीं ढूंढ रहे। क्या लगता है 2019 के चुनाव में? 2019 का चुनाव तो सर जो अभी जो नजर आ रहा है वो तो मोदी सरकार है,
क्योंकि इतना दिन मेरा उम्र 35 साल है, 35 साल के दरमियान में हमने पहले बार ऐसा सरकार देखे हैं जो कि मोदी सरकार नजर आ रहा है पूरे भारत में, इसलिए मोदी सरकार हम लोगों को बहुत मोदी अच्छा का कौन सा काम आपको अच्छा लगा? मोदी का काम सर अच्छा लगा, पहला नंबर तो पाकिस्तान पे अभी हमला हुआ है, उससे पहले भी जो उनका ब्यौरा था रोड नाला ये सब जो काम करवाए हम लोगों को ग्रामीण हिसाब से बहुत बढ़िया लगा, और पूरे भारत के लिए मोदी सरकार बहुत बढ़िया है सर। तो ऐसा माना जाए कि गिरिराज सिंह जीत रहे हैं? गिरिराज सिंह जीत रहे हैं पर हम तो मोदी का वहाँ है ना निशान, तो मोदी को हम लोग निशान ले रखे हैं। बीजेपी का निशान क्या है? भारत देश में भारत बच्चा के जंग है, हम उसी आदमी के साथ, जाति पाती कुछ नहीं, ये विकास कौन करेगा उसी आदमी, हम सब एक एक है। वोट आप लोग का बट नहीं रहा? नहीं, लेकिन ऐसा तो कहा जा रहा है कि वोट बट रहा है। नहीं बट रहा है कहा है, वोट होगा मोदी मोदी को देंगे और मोदी के चलते गिरिराज सिंह यहाँ से जीतेंगे जीतेंगे। आपको क्या लग रहा है 2019 के चुनाव में? मोदी को दीजिएगा, क्यों दीजिएगा मोदी को? 72,000 रुपए की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, वो सब रुपया हम लोग नहीं है, रुपया का लोभ नहीं है। जी आप तो बताएं कि आप तो भवानंदपुर पंचायत के मुखिया हैं, आपकी हालत काफी खराब हो गई है, छत पर से आप गिर गए हैं, उसके बावजूद भी आप जो सहयोग कर रहे हैं मीडिया को, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बताएं मुखिया जी कि 2019 का चुनाव को किस रूप में देख रहा है? 2019 की चुनाव जो हो रहा है, जो होगा इसमें कड़ा मुकाबला है, मैंडेटरी के लोग बीजेपी को नहीं दे रहा है और यादव लोग यहाँ नहीं दे रहा है एक भी वोट नीतीश कुमार के या बीजेपी, वो राजद के सब पक्ष में जा रहा है। जो हम इस गांव और झोपड़ी में जहाँ है, झोपड़ी में आप इतना कंटेस्ट होगा जो बीजेपी भी 40 जो चाह रही है वो नहीं होगा, 50% पर। बेगूसराय की स्थिति क्या रहेगी? बेगूसराय के अभी मान लीजिए नॉमिनेशन भी हुआ है और क्या होगा उसका स्थिति, लेकिन टक्कर होगा यहाँ तनवीर हसन को और गिरिराज सिंह। कन्हैया कुमार तो बहुत हंगामा मच रहा है, कन्हैया कुमार के लिए भी लोग अगर जो एकता होगा, भूमिहार क्षेत्र है, भूमिहार क्षेत्र क्या है, एक बार राजवंशी महतो भी जीत गया था, यहाँ तो हवा में है लोग जो कि